असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा विदिशा के नगर परिषद लटेरी में धूमधाम से मनाया गया। रावण को बुराई का प्रतीक मानकर उसका पुतला दहन किया गया। खास बात यह है कि लटेरी के इतिहास में सबसे ऊंचा 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हुआ। इस दौरान रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई। वहीं बड़ी संख्या में शहर के लोग रावण दहन देखने पहुंचे थे। विदिशा के नगर परिषद लटेरी में जहां दशहरा दहन की जोर शोर से तैयारी की गई थी, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत यानी विजयदशमी के रूप में श्री राम द्वारा रावण की सेना और रावण का वध किया जाता है, इसी उपलक्ष्य में लटेरी के इतिहास में सबसे ऊंचा 51 फीट लंबा रावण बनाया गया था। इसके आसपास लगभग 1 लाख रुपये की आतिशबाजी कथित रूप से लगाई गई थी, जो राघोगढ़ के कलाकारों ने बनाई थी। इसको देखने सैकड़ों की तादाद में लोग और अनेकों बाहर के अतिथि आए थे। वहीं इस कार्यक्रम में अनेकों साधु संत और मुस्लिम नागरिक भी सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने एक दूसरे के साथ मंच साझा किया और विजयदशमी पर आमजनों को पर्व की बधाई दी। और साथ ही लोगों ने इस भव्य आयोजन के लिए नगर परिषद की सराहना की। मेरा भाव ये था उस समय कि भाई उसे ये तो पता है कि रावण का दहन होना है, लेकिन अगर हमारे बच्चों को किसी भी धर्म के मानने वाले हो रावण की बुराई के बारे में बताए तो इसमें किसी को कोई हानि नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को ये पता होना चाहिए। आज इस पंडाल में बहुत छोटे छोटे आएंगे बच्चे, रावण की आतिशबाजी देखने आए, लेकिन रावण के चरित्र के बारे में भी हमको बात करनी चाहिए, तभी हमारे समाज की आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वस्थ समाज की निर्माता बन सकेगी। नगर पंचायत का प्रतिवर्ष ये जो कार्यक्रम का आयोजन रहता है ये भव्य रूप लेता जा रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस बुराई के प्रतीक को का नाश होने को देखने के लिए लोगों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं नगर पालिका लटेरी को, उसकी अध्यक्षा और इस पूरी परिषद के जो मेंबर्स हैं उन सबको, CMO साहब को, सबको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। लेकिन दशहरा का दिन है और बहुत जोर शोर से यहाँ पर दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है, क्या संदेश देंगे आज आप देश को? ये रावण जो है वो बुराई का प्रतीक माना जाता है। बुराई के प्रतीक पर श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए विजय प्राप्त की थी और देश में रामराज की स्थापना हो, सुख शांति हो, इसके लिए मानव अवतार लिया था। ये परंपरा कब से चली आ रही है? बाहर से जो राघोगढ़ के हमारे कई सालों से परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर जो आज भव्य आयोजन हो रहा है, इसके करने में किसकी खास योगदान मानते हैं आप? आपके साथ यहाँ पर हमारे वार्ड नंबर 5 के पार्षद जी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? रणधीर भाई, आपसे जानना चाहेंगे आज के सफल आयोजन का आप श्रेय किसको देंगे? और इस बार हमारी तरफ से नगर परिषद की तरफ से रावण का दहन का जो आयोजन रखा गया है वो एक विशेष आकर्षण केंद्र बनाया गया है, जिसमें ज्येष्ठम चौराहे से राम रावण युद्ध हुआ है। दोनों ही राम दल और रावण दल दोनों ही अपने अपने रथों पर सवार होकर यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद में विशेष और रावण के अंदर जो आतिशबाजी है वो भी आकर्षण और भव्य आतिशबाजी।